What are the coordinates of the center and the radius of the circle with equation this? X minus 4 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25. अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की क्या है, x माइनस ए होल स्केयर प्लस y माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू रेडियस का स्केयर, जिसमें a और b इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि इसका सेंटर a b पे लाई करेगा, तो ये इक्वेशन होगी। तो अब हमें यहाँ जो दिया गया है वो है x माइनस फोर, इट्स मीन के ए की वैल्यू तो हो गई 4, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई माइनस 3 तो बी कोऑर्डिनेट हो गया 3, तो ये तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस ये दिया हुआ है 25, ये है आर स्केयर, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक ये आर स्केयर है, तो आर स्केयर इज इक्वल टू 25, तो आर क्या होगा 5। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी, सेंटर एट 4 3 और रेडियस इज 5 यूनिट, यही इसका करेक्ट आंसर है। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट 5 माइनस 5 इज ऑन इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल डिफाइंड बाय दिस। अब जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 होल स्केयर इज इक्वल टू 34, ये रेडियस का स्केयर है, ये आर स्केयर है। और आप ये देखें कि सर्कल का पॉइंट दिया गया है 5 और माइनस 5, जबकि सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 0। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा रेडियस, और वो 34 के अंडर रूट के इक्वल होना चाहिए, तो सर्कल के ऊपर आ जाएगा पॉइंट, और अगर ये पॉइंट बाहर है तो ये रेडियस से बड़ा होगा, इसके दरमियान डिस्टेंस, यानी कि अगर हम इसको यूं समझें कि ये है 0 0, और ये जो पॉइंट है अगर सर्कल के ऊपर होगा तो ये रेडियस के इक्वल होगा, और अगर ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस 0 0 से रेडियस से बड़ा आता है तो ये आउटसाइड होगा, और अगर रेडियस से छोटा होगा तो ये इनसाइड होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आर स्केयर की वैल्यू है 34, तो r की वैल्यू होगी 34 का स्क्वायर रूट। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, तो ये आ गया 25 प्लस 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट। अब कंपेयर करें, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो है 50 स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर होगा, लाजमी तौर पर ग्रेटर होगा किससे, 34 के अंडर रूट से, तो इट्स मीन ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है, अगर ये रेडियस से बड़ा है डिस्टेंस तो ये पॉइंट लाजमी तौर पर आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। Does the point 4 5 lie inside, on or outside the circle? Circle हमें ये दिया है, यहां से हमें मालूम होता है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं -2 -2 और रेडियस इक्वल है 85 का स्क्वायर रूट। तो अब ये पॉइंट हमने चेक करना है, तो अगेन वही बात जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी कि अगर इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है तो ये आउटसाइड होगा, अगर इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल है तो ये ऑन द सर्कल होगा, और अगर इस पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से छोटा है तो ये इनसाइड होगा। तो हम पहले इसका अब डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो दो पॉइंट हमारे पास है, एक है 4 5 और दिस दूसरा सेंटर के कोऑर्डिनेट है ये, तो डिस्टेंस डी हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -2 -5 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट तो ये होगा आपके पास, ये हो गया 6, तो 36 प्लस 7 49,
49 का अंडर रूट मीन 85 का अंडर रूट। तो आप ये देखें कि ये रेडियस के इक्वल है। अगर ये रेडियस के इक्वल है तो ये ऑन दी सर्कल है, यानी कि ये सेंटर और ये पॉइंट, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस डी के इक्वल है, तो ये पॉइंट लाजमी तौर पर ऑन दी सर्कल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 4 5 हैविंग द सेंटर 2 2। तो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से गुजरती है जबकि सेंटर ये है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब सर्कल इस पॉइंट से गुजरता है, यानी कि ये ऑन दिस सर्कल पॉइंट है, यानी कि अगर हम बनाए तो ये पॉइंट यहां पर है कहीं और ये सेंटर है, ये होगा रेडियस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 2, जबकि ये पॉइंट यहां पर है 4 5। तो सेंटर के लिहाज से अगर आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी एक्स माइनस 2, ये 2 सेंटर का पॉइंट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 ये वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब आर कहाँ से लेंगे, आर क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो इसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस वाई है 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वेयर और फिर इसका अंडर रूट। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये होगा 4 प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। तो यहाँ आ जाएगा 13 अंडर रूट का मतलब 13 का स्केयर, क्योंकि आर स्केयर लेना है हमें, ये आर स्केयर, जबकि ये है डिस्टेंस बिटवीन और ये है रेडियस। रेडियस का स्केयर हो गया, क्योंकि रेडियस आ रहा है 13 अंडर रूट, तो रेडियस का स्केयर 13 होगा। अब इसको इक्वेशन को अगर हम एक्सपेंड कर लें, इसके स्केयर को खोलें, तो आपके पास क्या आता है, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4y, और ये 4 प्लस 4 8 हो गया और प्लस 8 इज इक्वल टू 13, और ये 13 इधर आएगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो के ऑप्शन बी में दी गई है। वट इज इक्वेशन फॉर ए सर्कल सेंटर्ड एट, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, विद रेडियस 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये हो गया एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और ये दिया गया है एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 9। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए सर्कल हैज ए डायमीटर स्टार्टिंग एट 3 2 एंड एंडिंग एट 9 10। अब ये सर्कल का डायमीटर दिया है इसमें कि उसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आप कह लें ये डायमीटर है। अगर हम कहें कि ये 9 10 है और ये 3 2 है, तो ये डायमीटर है, यानी कि इसका डिस्टेंस हम इन दोनों पॉइंट से मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी, तो इसका डायमीटर का हाफ जो होगा वो तो हो जाएगा रेडियस। रेडियस के पॉइंट आ जाएंगे और रेडियस भी मालूम होगा तो इक्वेशन मालूम हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो ये होगा 9 माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वेयर और फिर इसका अंडर रूट। तो ये होगा 36 प्लस 64 का अंडर रूट इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट इज इक्वल टू 10।
तो इसका मतलब है डायमीटर तो है 10, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 5। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था, उस जो इन दोनों के दरमियान जो लाइन है वो सेंटर से गुजरती है, तो वो मिड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो वो क्या होंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कहेंगे दोनों की एवरेजेस ले लें, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 और 2 प्लस 10, और ये इक्वल हो गया 12/2, 6, और ये 12/2, 6। ये हमारे पास आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x-6 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर और रेडियस है 5, इसका स्क्वायर 25, जो के ऑप्शन डी में दिया गया। यही इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 एंड सेंटर इज लोकेटेड एट ओरिजन, ओरिजन के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या दूसरे लफ्जों में x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। विच ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इन साइड दिस सर्कल, विच ऑफ दीज पॉइंट्स इज इन साइड दी सर्कल? सर्कल हमें दिया गया है x-2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यानी कि यहां से रेडियस हमें मालूम है कि वो 10√ है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 1। अब हमने देखना है कि गिवन पॉइंट कौन सा ऐसा है जो सर्कल के इनसाइड है। तो सिंपल रूल क्या होगा कि जिस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के मुकाबले में कम होगा वो इनसाइड होगा। तो हम इन पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे रेडियस के साथ, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो इनसाइड होगा। तो ए ऑप्शन को देखें, ये हमारे पास है सेंटर और इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2-1 का स्क्वायर प्लस 1-4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ये रेडियस की वैल्यू आएगी, ये डिस्टेंस आएगा और ये डिस्टेंस होगा। तो ये आ रहा है आपके पास 10√, जो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ए पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर मौजूद है, ऑन द सर्कल है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर बी को चेक करें, तो बी को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2-1 का स्क्वायर प्लस 1-8 का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ रहा है 1 प्लस, ये 749 का अंडर रूट। तो ये आप ये देखें कि 50 का अंडर रूट, ये रेडियस से बड़ा है, तो ये आउटसाइड दी सर्कल है। और इस पॉइंट सी ऑप्शन को देखें तो ये होगा 2-10 का स्क्वायर प्लस 1-0 का स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट, तो ये होगा 64 प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 65 का अंडर रूट। ये भी आउटसाइड है क्योंकि ये ग्रेटर देन रेडियस है। डी ऑप्शन को देखते हैं, डी ऑप्शन में 2-1 होल स्क्वायर प्लस 1-3 होल स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। अब आप देखें कि ये रेडियस से कम है, तो इसलिए ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर है 0, 4 पर एंड द डायमीटर, डायमीटर दिया 6, तो इसका मतलब है रेडियस होगा 3। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x-a² प्लस y-b² इज इक्वल टू r²
अब यहाँ पर ए की वैल्यू है 0, तो ये एक्स माइनस 0 स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 4, वाई माइनस 4 होल स्क्वेयर, अब रेडियस है 3, तो ये हो गया 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा ये, जो के ऑप्शन डी में दिया गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन अबव। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वेयर से हम कर सकते हैं। देखें, कंप्लीटिंग स्क्वेयर से हम करेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। आप थोड़ा सा गैप दे दें इसमें, क्योंकि इसमें वैल्यूज आएंगी बीच में, वाई स्क्वेयर माइनस 6y, और ये इक्वल टू इधर जाकर ये 17 के इक्वल आ गया। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वेयर करें तो आप ये देखें कि x माइनस 2 का अगर स्क्वेयर लें तो ये x माइनस 2 का स्क्वेयर क्या होता है, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। तो देखें ये प्लस 4 इसमें कम है, तो ये कंप्लीट स्क्वेयर हो सकता है। प्लस 4 इधर भी कर दें, प्लस 4 इधर भी कर दें, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। इसको देखें तो ये y माइनस 3 का स्क्वेयर है, क्योंकि ये इक्वल होगा y स्क्वेयर माइनस 6y प्लस प्लस 9। तो अगर हम इसमें इधर 9 ऐड कर दें और इधर भी कर दें तो इक्वेशन बैलेंस है। अब ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब आप इन्हें देखें तो ये होता है 30, तो ये 30 के अंडर रूट का स्क्वेयर है, तो रेडियस की वैल्यू आती है 30 अंडर रूट, r इज इक्वल टू 30 अंडर रूट। अच्छा जी, तो इक्वेशन, अब हमें मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वेयर कितना होगा 30 अंडर रूट का स्क्वेयर, तो ये इक्वल हो गया 30 पाई के, जो के ऑप्शन डी में दिया गया। ए सर्कल हैज ए मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ ऑफ 14 इंच, इसका मतलब है रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ डायमीटर होता है। मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ कैसे, कि ये सर्कल है, इसके सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है वो डायमीटर होती है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, मैक्सिमम होती है, इससे बड़ी कॉर्ड कोई नहीं हो सकती। किसी और पॉइंट से अगर गुजरेगा तो वो इससे स्मॉलर होगी, तो ये लार्जेस्ट होती है कॉर्ड जो सेंटर से गुजरती है। तो जाहिर है डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस। तो अब हमने बताना क्या है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर इंचेस। एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर हो गया 49, और ये पाई, जो के ऑप्शन बी में दिया गया। ए सर्कल इज इन द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन इज टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस एज 3 0 एंड टेंजेंट टू द वाई एक्सिस एट 0 3। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके लिए देखें कि क्या सिचुएशन हमें दी गई है, हमें ये सिचुएशन दी गई है, एक्स एक्सिस पर टेंजेंट, टेंजेंट टू दी एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, ये ब्लू लाइन, ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पर टच करता है, और ये उसने कहा कि ये 3 0 है। इसी तरीके से ये दूसरा टेंजेंट है जो इसको टच करता हुआ गुजर रहा है इस पॉइंट पे, जो कि 0 3 है। तो इट्स मीन कि अगर हम इसे इस शक्ल में देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 3। यहां पर एक्स भी 3 है, वाई भी 3 है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 3 है इसका, यहां से ये जो 3 0 है, इट्स मीन ये 3, तो ये भी 3। अब यहां से ये 3 है, तो ये भी 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 3 3। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब रेडियस भी हमें मालूम है, रेडियस है 3, दोनों साइड से आ रहा है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो इक्वेशन क्या होगी,
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट थ्री थ्री है, इज इक्वल टू थ्री का स्क्वेयर। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन, जो के ऑप्शन सी में दी गई। इफ ए सेक्टर कवर 20% ऑफ ए सर्कल, वट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। अब देखिए सिचुएशन हमें क्या दी गई है कि ये सर्कल है, इसके अंदर एक सेक्टर मौजूद है, ये इसका सेक्टर है, और ये सेक्टर कवर 20% ऑफ सर्कल, ये 20% को कवर कर रहा है। तो जाहिर है कि ये जो एंगल है सेंटर में, ये इस तरह से ये 360 डिग्री है टोटल, तो जितना प्रपोर्शन सेक्टर का है वही एंगल का होगा, तो टोटल एंगल हो गया 360। तो 360 का आप 20% ले लें, 20% इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो अगर सेक्टर 20% एरिया कवर कर रहा है सर्कल का, या उसका 20% पार्ट कवर करता है, तो जो एंगल कंट्रीब्यूट करेगा वो 72 डिग्री होगा, 20% ऑफ टोटल एंगल, क्योंकि 20% ऑफ टोटल सर्कल सेक्टर है, तो टोटल एंगल का 20% उसका एंगल होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। द आवर हैंड ऑन ए क्लॉक मूव फ्रॉम 3 PM टू 6 PM, 3 PM टू 6 PM, हाउ मेनी डिग्री डज द आवर हैंड मूव। तो अब आप इसकी क्या सिचुएशन है देखें, यहां से ये 3 o'clock से 6 PM पर जा रही है, तो ये क्लॉक यू मूव करके यहां आ रहा है, तो कितने एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।